तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल के बारे में एक जुड़ी नॉलेज आपको देंगे, कब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, कौन कितने बार फाइनल में पहुंची है, कौन कितने बार खिताब जीती है। तो दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी। लीग में अब तक कुल 14 सीजन हो चुके हैं। 15वें सीजन की नीलामी 12 और 13 फरवरी को होगी। दोस्तों, आईपीएल का पहला खिताब राजस्थान रॉयल ने जीता था। उसने 1 जून 2008 को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग को 3 विकेट से हराया था। दोस्तों, अब तक मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है, 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020, और चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार 2010, 2011, 2018 और 2021 में खिताब जीता है। दोस्तों, आईपीएल के खिताब की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार चैंपियन बनी है, डेक्कन चार्जर और सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने 1-1 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग ने अब तक सबसे ज्यादा 9 बार आईपीएल का फाइनल खेला है। इस मामले में मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर है, उन्होंने 6 बार फाइनल खेला है। महेंद्र सिंह धोनी शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं, जबकि रोहित शर्मा 2013 के सीजन से मुंबई की कमान संभाल रहे हैं। दोस्तों, स्पॉट फिक्सिंग के चलते चेन्नई सुपर किंग राजस्थान रॉयल 2 साल 2016 और 2017 का बैन लगा हुआ था। बैन हटने के बाद उन्होंने 2018 में खिताब जीता था। दोस्तों, आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस हैं। उन्हें 14वें सीजन में राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ में खरीदा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आईपीएल के बारे में जानकारी भी पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।